इस कार्यक्रम के सभी पात्र उनके नाम पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इनका मिलना महज संयोग है। हमारा चैनल भूत प्रेत जैसे किसी भी चीज को बढ़ावा नहीं देती है, ये केवल मनोरंजन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका हमारे चैनल कहीं अनकहीं घटनाएं में स्वागत है। कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही है। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्र लोगों को नुकसान पहुँचा देता है। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बता रहे हैं। पिसावा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सरसर की आवाज आती रहती है और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील इस पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों, हिंसकरील और जीवों का बसेरा भी है। यहां हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोणा के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वे यही हैं। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। आप यदि परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलाते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पदाधिकारियों ने अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि को अनजाना बना दिया है। मान्यता है कि पिसावा के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि इस बार एक घमंडी दबंग यहाँ से पेड़ों को काटकर बेचने चला था। उसके बाद पशु मर गए थे और वृक्ष काटने वाले आदमी नाक से खून फेंक कर भाग खड़े हुए थे। तभी से यह बात पुष्ट हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। हाँ, यदि आप आस्था कार्य जैसे पुण्य प्रसादी और भंडारा कराते हैं तो और भला होगा। यहाँ की लकड़ी ले जाकर डेंजर इलाके में नहीं जा सकते। यहाँ आसपास कई पुराने खंडर हैं जो पता नहीं किसने बनाए हैं। कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, यहाँ आए लोग भी ऐसे इलाके में नहीं जाते। इसके कारण खतरनाक कीट पतंगे या ऊपरी बवाल का होना हो सकता है। यह तो वहाँ जाने से ही स्पष्ट हो सकता है। मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश के ही एक जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। यह बंगला मॉल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीओ के आवास के निकट है। सीओ के आवास और विल्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। मॉल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों से भी जूझना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि बंगले की दहलीज तक पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग के बंगले में पाँव रखते ही कबूतरों की फड़फड़ाहट की आवाज़ एक बार आपको डरा तो देगी ही। हालांकि दीवारों पर इतने अपशब्द लिखे मिलेंगे कि माजरा समझने में देर नहीं लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले का फर्श मजबूत है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी दुरुस्त है। हाँ, दीवारें कहीं कहीं से टूट चुकी है, जालियां नुची हुई है और धूल गंदगी का अंबार है। कमरों में प्रवेश करने पर जूते चप्पलों की छाप के साथ ही कोने में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामान की मौजूदगी यह बताने को काफ़ी है कि डर की आड़ में यहाँ क्या क्या नहीं होता। दुनिया के लिए वीरानी की चादर ओढ़े इस भूतिया बंगले में जाम भी छलकते हैं और रंगीनियत भी होती है। इतना ही नहीं, एक कमरे में चार ईंटें इस तरह से रखी है कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ आए दिन ताश या जुआ खेला जाता है। कमरे हवादार हैं, धूप बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित। किसी ने तो काली और नीली स्याही से बुद्ध विहार तक का नाम दे दिया है। बंगले में था सब एरिया मुख्यालय 1947 तक, जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। आज़ादी मिलने तक यह सब एरिया मुख्यालय था। यहाँ मेरठ छावनी की हरेक गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सराधना रोड पर बनाया गया, जहाँ पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट
राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यहाँ भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। इस बारे में रोचक कहानी है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर काले जादू में महारथ तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके एक महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की आत्मा की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। कुलधरा गांव जैसलमेर। इस सूची में एक और राजस्थान का स्थान है, जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो कि पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्यास दीवान सलाम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट पैलेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने की, उनकी चूड़ियाँ और उनके पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमते आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मई 2013 में दिल्ली से आए भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरा नॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहाँ पर पौरालौकिक गतिविधियाँ रिकॉर्ड की। थ्री किंग्स चर्च, गोवा। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में तीन पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ तीन पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वश्चर्स को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों के होलगोर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया था। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। आप अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो पहले वहाँ के लोगों से इसके लोकेशन के बारे में जान लें। और हाँ, यह ऊपरी पहाड़ पर स्थित है, इसलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी पहले ही कर लें। इतना ही नहीं, समय भी दिन का होना चाहिए, नहीं तो वहाँ और लोग हैं, उनके साथ हो लें। वैसे यह जानना रोचक होगा कि यहाँ राजा कैसे रहे होंगे। जमाली कमाली मस्जिद, कब्र महरौली, दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राजकवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में दो संगमरमर की कब्र है, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 से 1529 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। अग्रसेन की बावड़ी, कर्नाट पैलेस, दिल्ली। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कर्नाट पैलेस से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षण प्राप्त है।
किसी जमाने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी है। SI के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। यदि आप कर्नाट पैलेस जाकर भी किसी से इसके बारे में पूछेंगे तो वो अनभिज्ञता जाहिर कर देंगे। डाओ हिल कुर्सियांग, पश्चिम बंगाल। कुर्सियांग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी 32 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 4,864 फीट है। कुर्सियांग का स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद ऑर्किड की भूमि। कुर्सियांग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूलों और पर्यटन के लिए माना जाता है, पर कुर्सियांग से लगती डाओ हिल से एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड पैलेस की लिस्ट में शामिल करती है। डाओ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई है। इस जंगल में इधर उधर इंसान की हड्डियां दिखाई दे जाना आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिरहन और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यहाँ तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सरकटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। वैसे यह सरकटी लाश वाली बात काल्पनिक ज़्यादा लगती है, लेकिन डाओ हिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं कर पाता कि यह जगह हॉन्टेड हो या ना हो, पर डरावनी बहुत है। बडोंग सुरंग नंबर 33, हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बडोंग ने करवाया था, इसलिए इसे बडोंग सुरंग भी कहते हैं। बडोंग सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बडोंग ने एक बड़ी भूल यह कर दी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपया जुर्माना किया गया। कहते हैं अपनी इस चूक से वह इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्तों के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी इसमें उस अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिमी भारतीय प्रांत पर पेशाओं का अधिकार था, उस समय पेशाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाची के आदेशानुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज़ लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों में आज भी कई बार उसकी कराहने की आवाज़ें सुनी है। चांदनी रात में वह जगह और अधिक भयानक हो जाती है।